नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी बिट के। आज है 7 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। और यह भी बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सर संडे को वीडियो क्यों नहीं आई। मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगा, संडे को हम लोग गैप रखते हैं, संडे को आप लोग भी इंजॉय करिए, क्योंकि आप लोग रिवाइज करिए जो भी कुछ है, क्योंकि संडे को रिवाइज डे रखिए, इसलिए मैं आपको एक दिन का गैप देता हूँ। और जो उतने ज़्यादा करंट अफेयर्स भी नहीं आते संडे को, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं अधिकतम वो ऑफ होते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स आते हैं मैं आपको मंडे को डिस्कस करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश का 4th रैंक लगी है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत पंचायतों को 996 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे, और साथ ही साथ बुंदेलखंड के महान लोकगीतकार देशराज पटेरिया जी का निधन हो गया, एवं स्वनिधि संवाद के अंतर्गत करेंगे मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से संवाद, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस लेक्चर की और हमारे अन्य लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री की सीरीज है उसके लिए वेट कर रहे थे, मैं जल्दी से जल्दी आपको 2-3 वीडियो एक साथ बना के अपलोड कर दूंगा, जो कि हमारा इस हफ्ते का गैप हो गया है, और मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा क्योंकि इस समय कुछ व्यस्त था अधिक। तो जितना जल्दी होगा आज या कल में आपकी 2 या 3 एक साथ वीडियो आ जाएंगी, हम उसको कवर कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत पंचायतों को ऑनलाइन 996 करोड़ ट्रांसफर किए गए। आपका ऑप्शन नंबर 1 है पंच परमेश्वर योजना, ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत योजना, ऑप्शन नंबर 3 ग्राम स्वराज योजना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका पंच परमेश्वर योजना। जी हां, 996 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत पंचायतों को। जी हां, ग्रामीण जो पंचायतें हैं उनको ट्रांसफर किए गए हैं 996 करोड़ पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत। देखते हैं क्या है पूरी योजना। पंचायतों के कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार, पंच परमेश्वर योजना ने पंचायतों की बदली तस्वीर, हो रहा तेजी से विकास, 996 करोड़ रुपए पंचायतों के खातों में आज ऑनलाइन की गई जमा राशि। इस राशि से सामुदायिक स्वच्छता, यानी इस राशि से कार्य क्या किए जाएंगे, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट कार्य है, जैसे स्वच्छता हो गए, पेयजल कूप, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, साफ सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामुदायिक जो भी विकास कार्य है आदि पंचायतें इसके द्वारा कर सकेंगे। यहां पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत पंचायतों को लगभग 29 विषयों पर कार्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इसी के अंतर्गत यह सब विषय आते हैं, नगरीय निकाय और विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं वह सब। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वनिधि संवाद के अंतर्गत कौन करेगा मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से संवाद। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और जिन लोग मेरा डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यह स्ट्रीट वेंडर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या है स्ट्रीट वेंडर। आपका ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी जी करेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे, नरोत्तम मिश्रा जी करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर। इनके द्वारा किया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर है, इट मीन्स जो रेहड़ी या ठेला लगाते हैं रोड के किनारे पर, इनके लिए स्वनिधि संवाद के अंतर्गत सीधा संवाद करेंगे नरेंद्र मोदी जी इन वर्कर्स से। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विगत 1 महीने पहले योजना शुरू की गई थी, जिस योजना के अंतर्गत जो शहरी ग्रामीण जो रेहड़ी लगाते थे वो, और शहरी रेहड़ी लगाते थे वो, उनके लिए 10,000 रुपये का लोन देने का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत, क्योंकि आपको मालूम होगा कोरोना पैंडेमिक के कारण बाहर के प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ था, उनका रोजगार छिन गया था, तो उन्हें दोबारा से अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह 2 प्रकार के जो ब्रांड स्ट्रीट वेंडर हैं, पथ व्यवसायी हैं, इसका नाम है योजना का नाम, एक योजना है शहरी पथ व्यवसायी और दूसरी की योजना का नाम है आपका ग्रामीण पथ व्यवसायी। तो यह दोनों योजनाओं के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन का प्रावधान है। और भी हम यहाँ पर कुछ और डिस्कस करते हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दिया गया है, तो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जी हाँ, आत्मनिर्भर MP योजना भी शुरू की गई है। कितनी तारीख से शुरू की गई है, 1 सितंबर, याद रखिए आप, 1 सितंबर से इसको लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, अगर आपको रिमेंबर हो, गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी, सागर जिले से की गई थी,
और इसकी शुरुआत की थी नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वनिधि संवाद किस तारीख को रखा गया? तो स्ट्रीट वेंडर से ऑनलाइन माध्यम से बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी, परंतु यह किस तारीख को करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर एक है 9 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका 9 सितंबर 2020 को। जी हाँ, स्वनिधि जो इसके अंतर्गत बात करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्ट्रीट वेंडर जो भी पथ व्यवसायी हैं उनसे डायरेक्ट बात करेंगे 9 सितंबर को। देखते हैं यह है पूरी न्यूज। स्वनिधि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के शहरी स्ट्रीट वेंडरों से करेंगे संवाद 9 सितंबर सुबह 10 बजे यह संवाद होगा। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ईज ऑफ डूइंग की लिस्ट आ गई है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है? आपका ऑप्शन नंबर एक है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर दो तृतीय, ऑप्शन नंबर तीन प्रथम, ऑप्शन नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की रैंक लगी है आपकी फोर्थ, जिसे चतुर्थ कहा जाता है। फोर्थ रैंक आई है ईज ऑफ डूइंग में पूरे भारत में मध्य प्रदेश की, और यह काफ़ी अच्छी रैंक है जिसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तारीफ भी की गई है। तो यहाँ पर अब मैं आपको जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं ईज ऑफ डूइंग से संबंधित, वह हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर करंट अफेयर्स, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी अधिक प्रोबेबिलिटी है। सो दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ईज ऑफ डूइंग। तो ईज ऑफ डूइंग होता क्या है, सबसे पहले आपको यह बताऊंगा। यह एक स्केल है जो मापता है कि किसी राज्य में रोजगार उत्पन्न करने की संभावना या किसी नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कितना वो इजी है, कितना वो लिबरल है, कितना वो उस वह राज्य उदार है किसी भी नए बिजनेस, किसी भी नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो इसमें मध्य प्रदेश की रैंक आई है फोर्थ। चलिए डिस्कस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश का फोर्थ स्थान आया है। केंद्र सरकार ने सराहा मध्य प्रदेश के कार्यों को। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। तो 2008 के कार्यों के आधार पर 2018 के कार्यों के आधार पर 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा। तो यह 2019 की रैंकिंग है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हमेशा ही इस तरीके की रैंकिंग्स में टॉप पर रहता है, आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, काफी इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। ईज ऑफ डूइंग 2019 की रैंकिंग की घोषणा, 2019 की घोषणा नई दिल्ली के नए मीडिया सेंटर से 5 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के चौथे संस्करण में की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री हरदीप सिंह पुरी एवं सोम प्रकाश भी उपस्थित थे। यह सब केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संबंधित विभागों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को मिली चौथे नंबर की रैंकिंग के लिए प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए निर्धारित विभिन्न 12 क्षेत्रों में, तो क्या कितने क्षेत्र थे, 12 क्षेत्र थे, 12 ऐसे क्षेत्र थे, में उत्कृष्ट कार्य होने पर मध्य प्रदेश को यह सफलता मिली है। इन क्षेत्रों से जुड़े सभी विभागों ने अच्छा कार्य किया है जिसका मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा किया गया और मध्य प्रदेश में हुए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने बिजनेस रिफॉर्म मामले में 100% कार्यान्वयन स्कोर प्राप्त कर लिया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग वर्ष 2015 से शुरू की गई थी। अब हम यहां पर देखते हैं जो ईज ऑफ डूइंग का सिस्टम है यह कब से शुरू किया गया था। तो यह रैंकिंग शुरू की गई थी आपकी 2015 से। अब हम ईज ऑफ डूइंग की थोड़ी हिस्ट्री पर नजर निगाह डालते हैं। तो 2015 से यह शुरू की गई थी। वर्ष 2000 की अवधि में सुधार के लिए 187 बिंदु, कितने बिंदु रखे गए थे इस बार, हाउ मेनी पॉइंट डिसाइडेड फॉर दिस रैंकिंग, 187 पॉइंट्स निर्धारित किए गए थे जिनका मूल्यांकन, इनका एवेल्यूएशन मूल्यांकन उपयोगिता की प्रतिक्रिया के आधार पर था। मध्य प्रदेश की पिछली रैंकिंग की तुलना में 3 स्थानों की सनंग लगाई है। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग 2019 में क्या रैंकिंग है, फोर्थ रैंकिंग है। और पहले की रैंकिंग में और अब की रैंकिंग में कितना अंतर है, 3 स्थानों का मध्य प्रदेश ने सुधार किया है, जो कि अपने आप में दिस इज द
काफी अच्छा हम मान के चल सकते हैं इसको। तो 3 अंक की छलांग लगाई है और इस बार जारी रैंकिंग में 7वें स्थान से ऊपर उठकर, तो पहले कौन सा स्थान था मध्य प्रदेश का, 7, काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों फैक्ट को, फिगर्स को आप याद रखिए। मध्य प्रदेश की 2019 में, मैं अगेन दोबारा आपको क्यों रिवाइज करा रहा हूं, आगे भी मैं आपको रिवाइज कराता जाऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर टाइप्स ऑफ वीडियो एंड डोंट नीड टू मेक एनी अदर टाइप्स ऑफ नोट्स। तो 4th रैंक मध्य प्रदेश ने प्राप्त की है, 3 रैंक का सुधार किया है और पहले मध्य प्रदेश की क्या रैंक थी, 7th रैंक थी। तो 7वें स्थान से ऊपर उठकर 4th स्थान प्राप्त किया है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 में शीर्ष 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल है। यह वो राज्य हैं जो स्पेशल 10 में शामिल है। यहाँ पर मैंने दे दी है लिस्ट आपको, आप चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको इजीली वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ हमेशा वहाँ पर रहेगी, आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, जैसा कि मैं डेली बेसिस पर आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, और आज का हमारा क्वेश्चन है, रीवा सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था और यह उद्घाटन किस तरीके से किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीवा परियोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर आप लिख सके तो इट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट करंट अफेयर्स में काफी डीपली तरीके से इसे डिस्कस किया है और किसके द्वारा उद्घाटन किया था। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको 101% मालूम होगा यह आंसर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।